गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर दिव्या श्रीवास्तव एंड टुडे इन इंग्लिश ग्रामर वी विल रीड अवर थर्ड चैप्टर नाउंस एंड जेंडर एंड नंबर. राइट, इन लास्ट वीडियो वी हैड कवर्ड द सिंगुलर एंड प्लूरल. राइट, जेंडर्स हमने कवर किए थे, जहां हमने आपको बताया था कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है. राइट, उसके एग्जाम्पल्स बताए थे कैसे हम सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करते हैं. ठीक है, देयर वर सम रूल्स, मैंने आपको वो रूल्स भी बताए थे. क्या रूल था वो? सो मैनी रूल्स, बहुत सारे रूल है जिनको आप फॉलो करके सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं. राइट, सो आई होप वो वीडियो आपने देखा होगा, आपको समझ में आया होगा. इन टूडेज लेक्चर, ठीक है, वी विल रीड अबाउट जेंडर्स. आज हम जेंडर्स के बारे में पढ़ेंगे. पिछली बार हमने नंबर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और आज हम जेंडर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं जेंडर. ठीक है, देखिए जेंडर क्या होता है. जेंडर बेसिकली होता क्या है, जेंडर वो वर्ल्ड है, जैसे कोई नाउन है, कोई वर्ल्ड है, तो आपको उस वर्ल्ड को देख के समझ में आए कि ये मेल उसका है कि फीमेल का है. ठीक है, ये पुरुष जाति का है कि स्त्री जाति का है. दो तरह के हमारे वो होते हैं, पुरुष और स्त्री. राइट, मेल एंड फीमेल. तो किसी वर्ल्ड को देख के आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये मेल है कि फीमेल है. वो इंसान के अलावा कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कोई थिंग हो सकती है, कोई एनिमल हो सकता है. राइट, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग हो सकती है. तो उसको हम कैसे जानते हैं? ठीक है, जेंडर हमारे बेसिकली चार तरह के होते हैं. ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर. इसके बारे में पढ़ते हैं. मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल इज सेड टू बी ऑफ अ मैस्कुलिन जेंडर. ऐसा नाउन, ऐसा वर्ड जो हमें मेल जाति का यानी कि पुरुष जाति का बोध कराए, आपको जिसको पढ़ के लगे कि नहीं ये मेल है, ये आदमी है, ये पुरुष है. ठीक है, तो वो आपका मैस्कुलिन जेंडर में आता है. जैसे किंग हो गया, फादर हो गया, फादर आपका क्या है? मेल है. राइट, मैन हो गया, और भी ऐसे रोहन है, किसी लड़के का नाम है तो आपको पता चल रहा है कि हाँ ये मेल है, बॉय है, फादर है, मैन है, किंग है, ऑक्स है. ठीक है, एनिमल में ऑक्स हो गया, डॉग हो गया. ठीक है, अब देखते हैं फेमिनिन जेंडर. नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल इज सेड टू बी अ फेमिनिन जेंडर. फेमिनिन जेंडर जिस वर्ड से, जिस नाउन से आपको पढ़ के लगे कि नहीं ये फीमेल उसका है, फीमेल काइंड का है. ठीक है, एक स्त्री जाति का जहां पे बोध होता है वहां पे आपका वो वर्ल्ड आपका फेमिनिन जेंडर कहलाता है. जैसे क्यून हो गया, मदर हो गया, ठीक है, वुमेन हो गया, गर्ल हो गया, किसी का नेम हो गया, काउ हो गया. ठीक है, तो ये आपका फेमिनिन जेंडर में आता है. मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर आपने पढ़ लिया. मैस्कुलिन जेंडर वो है जो मेल काइंड का आपको वो दे, और फेमिनिन जेंडर है जो आपको फीमेल काइंड के बारे में बताए. राइट, अब क्या है आपका नेक्स्ट? कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर क्या है? अ नाउन दैट डिनोट्स बोथ अ मेल और फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर. एक ऐसा नाउन, एक ऐसा वर्ड जिसको पढ़ के आपको क्लियर ना हो कि वो मेल है कि फीमेल, वो कुछ भी हो सकता है, मतलब मेल फीमेल ही होगा, लेकिन उसमें आपको क्लियर नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है. ठीक है, जैसे जहां ये बेसिकली किसी पोस्ट के बारे में बात की जाती है, किसी के डेजिग्नेशन के बारे में बात की जाती है. जैसे स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट फीमेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है. डॉक्टर है, ठीक है, इंजीनियर है, टीचर है आपके. अब आपको टीचर वर्ड समझ में आ रहे हैं क्या कि हम मेल की बात कर रहे हैं कि फीमेल की बात कर रहे हैं? ठीक है, ये तो कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. तो टीचर क्या हो जाएगा? हमारा कॉमन जेंडर हो जाएगा. ठीक है, या तो वो मेल होगा और या तो वो फीमेल होगा. और क्या एग्जांपल्स है? जैसे गेस्ट हो गया, एनमी हो गया, पेरेंट हो गया, नेबर हो गए, हमारे पड़ोसी हो गए, गेस्ट हो गए. जिन वर्ड को आपको सुन के क्लियर ना हो कि ये आदमी है कि औरत, ठीक है, मेल है कि फीमेल, तो होगा दोनों में से कोई एक, लेकिन आपको क्लियर नहीं है, तो वो ऐसे जेंडर को हम कॉमन जेंडर बोलते हैं. आप एग्जाम्पल दिया स्टूडेंट एंड डॉक्टर. नेक्स्ट देखते हैं आपका लास्ट है हमारा न्यूट्रल जेंडर. न्यूट्रल जेंडर बेसिकली जो होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए बोला जाता है, जैसे बुक है, हॉर्स है, पेन है, चेयर है, टेबल है, जिसमें जान नहीं होती. ठीक है, इसके अलावा भी न्यूट्रल जेंडर के बहुत सारे पार्ट होते हैं. जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं हमारे, जैसे बुक हो गया, वुड हो गया, ठीक है, वीट हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, उसके लिए हम न्यूट्रल जेंडर बोलेंगे उसको. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जहां जैसे ऑनेस्टी हो गया, स्वीटनेस हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, ये भी हमारा न्यूट्रल जेंडर में आता है. कलेक्टिव नाउन्स भी जो हमारे होते हैं वो भी हमारे न्यूट्रल जेंडर में आते हैं. जैसे क्राउड है, ठीक है, बंच है, ठीक है, फ्लॉक है. तो अब आप बोलेंगे क्राउड मतलब तो भीड़, इसमें तो आदमी और दो नहीं होंगे, तो ये कॉमन जेंडर क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्राउड हम जब कोई देखते हैं तो उसमें हम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कि मेल है कि फीमेल है. जब आप कहीं भीड़ देखते हो तो आप क्या गिनते हो कि इतनी औरतें इतने आदमी है? नहीं, आप बोलते हो यहाँ पे भीड़ है, यहाँ पे क्राउड है. तो क्राउड वर्ड जो हमारा आता है वो हमारा न्यूट्रल जेंडर में आता है. ठीक है, जिसको देख के आप एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते हो कि वो क्या है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है,
यहाँ पे जितने भी बोल्ड वर्ड्स हैं इनको मैंने आपको इनका जेंडर चेंज करना है. गर्ल का बॉय हो गया, आंट का अंकल हो गया, हॉर्स का मेयर हो गया, किंग का क्वीन हो गया, ठीक है. इसी तरीके सिस्टर लॉ का ये हो गया, चेंज कर दिया. ये भी आपकी है, आपको मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाना है, ठीक है. ये भी आपकी एक्सरसाइज दी हुई है. यहाँ पे आपको जो भी आपके वर्ड्स हैं मैस्कुलिन न्यूट्रल कॉमन में आपको उसको कलर करना है, ठीक है. तो दिस एक्सरसाइज आई विल गिव यू इन एक्साइनमेंट, ठीक है. और आपको ये बहुत अच्छे से लर्न करना है जेंडर एंड नंबर सिस्टम. अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है इसमें तो यू कैन आस्क मी इन अ डाउट सेशन. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.